हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम EL 208 ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम की यूनिट फर्स्ट से मूविंग कोइल कौन टाइप लाउड स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मूविंग कोइल लाउड स्पीकर के बेसिक प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस के बारे में वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यह किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। द मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच के इंट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है, जैसे कि एसी मोटर भी कार्य करती है, सेम उसी प्रिंसिपल पे यह भी कार्य करता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट है, इनके बीच का जो ये इंट्रैक्शन है, इसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, और यह जो फोर्स है वो उसके फलस्वरूप डायफ्राम जो कि कॉनिकल शेप में है उसमें वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें साउंड वेव्स मिलती हैं इस लाउड स्पीकर के आउटपुट में। तो इस प्रकार इसी बेसिक प्रिंसिपल पे यह मूविंग कोइल लाउड स्पीकर वर्क करता है। तो देखते हैं यह किस प्रकार होता है। ए कोइल कॉल्ड वॉइस कोइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए ऑडियो करंट पासेस थ्रू द वॉइस कोइल देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट रिजल्टिंग इन ए फोर्स वर्किंग ऑन द मूविंग कोइल। तो कोइल जिसे कि वॉइस कोइल भी कहा जाता है, उसे जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो, और साथ ही साथ जब उस वॉइस कोइल से ऑडियो करंट को पास किया जाता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कि कोइल को रखा गया है और करंट जो कोइल से पास हो रही है, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है। मींस मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से कोइल पे एक फोर्स कार्य करता है, और ये जो फोर्स है ये उस कोइल से पास होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी वजह से इस कोइल पे वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। मींस कोइल में वाइब्रेटरी मोशन शुरू हो जाता है, और ये जो कोइल में होने वाला ये वाइब्रेटरी मोशन है, इसकी वजह से डायफ्राम जो कि कॉनिकल शेप में है उसमें भी वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से एयर में प्रेशर वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलती हैं, साउंड वेव्स। तो इस प्रकार मूविंग कोइल लाउड स्पीकर से हमें साउंड वेव्स मिलती हैं। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच के इंट्रैक्शन के फलस्वरूप जो है हमें लाउड स्पीकर के आउटपुट में साउंड वेव्स मिल रही हैं। तो यह जो फोर्स है जो कि कोइल पे वर्क करता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच के इंट्रैक्शन के फलस्वरूप, तो यह कितना होगा, इसकी वैल्यू किस प्रकार दी जाएगी। तो ये जो फोर्स है वो होता है F इक्वल्स टू BIL साइन अल्फा। मीन्स कोइल पे जो लगने वाला फोर्स है वो इतना होगा, उसकी वैल्यू ये होगी F इक्वल्स टू BIL साइन अल्फा, जहाँ पे चूँकि कोइल और फील्ड के बीच का जो एंगल है वो नॉर्मली 90 डिग्री है, तो अल्फा यहाँ पे 90 है, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा 1। तो F कोइल पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू BIL। तो ये है जो फोर्स है वो कोइल पे वर्क करता है। यहाँ पे B जो है वो फ्लक्स डेंसिटी है, L जो है वो लेंथ ऑफ कोइल है, और I जो है वो करंट है। तो कोइल पे कितना बल कार्य करेगा, कितना फोर्स लगेगा कोइल पे, F इक्वल्स टू BIL। नेक्स्ट है मूविंग कोइल लाउड स्पीकर के स्ट्रक्चर के बारे में, किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट दिखाई गई है, जिसका ये नॉर्थ पोल दो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होकर साउथ पोल में इनक्लोज होता है इस प्रकार। तो इस प्रकार इस परमानेंट मैग्नेट का यहाँ पे ये यूनिफॉर्म, बहुत ही अच्छा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें इससे प्रोवाइड होता है, और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस परमानेंट मैग्नेट का, उसी में जो वॉइस कोइल है उसे रखा जाता है, और ये वॉइस कोइल जो है वो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट के लिए स्वतंत्र होती है इस प्रकार। और इस
वॉइस कॉल के दोनों टर्मिनल से होके ऑडियो करंट को पास किया जाता है, जिससे कि ये जो करंट है और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंट्रैक्शन होता है, जिससे कॉइल पे एक फोर्स कार्य करता है। ये फोर्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। इस फोर्स की वजह से कॉइल में जो है वाइब्रेटरी मोशंस अकर होते हैं। और चूंकि इस कॉइल से इस लाउड स्पीकर का ये डायफ्राम अटैच्ड होता है, मीन्स इस कॉइल से डायफ्राम कनेक्टेड है और इस डायफ्राम से ये कोन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस प्रकार, ये कनेक्टेड है जो कि पेपर का बना हुआ है, इसलिए इसे पेपर कोन भी कहते हैं। तो इस प्रकार कोइल से डायफ्राम और पेपर कोन इस प्रकार कनेक्टेड हैं। तो कोइल में होने वाले वाइब्रेटरी मोशन की वजह से इस डायफ्राम और पेपर कोन में भी वाइब्रेशंस होते हैं, इनमें भी वाइब्रेटरी मोशन अकर होता है, जिसकी वजह से एयर में प्रेशर वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं और उसके फलस्वरूप हमें इस प्रकार साउंड वेव्स मिलती हैं यहाँ पे। तो ये इस प्रकार इसमें मूविंग कोई लाउड स्पीकर में साउंड वेव्स यहाँ पे मिलती हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। और ये जो यहाँ पे कौन सस्पेंशन प्रोवाइड किया गया है, ये डायफ्राम और पेपर कोन को वाइब्रेटरी मोशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। और ये जो डायफ्राम है वो भी इस प्रकार स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो ये स्प्रिंग की हेल्प से इस सस्पेंशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो इसे वाइब्रेशंस में हेल्प करता है। तो इसके एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। इट कंसिस्ट वॉइस कॉइल विच प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमने देखा है कि ये वॉइस कॉइल जो है उसे इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अब ये जो मैग्नेट यूज की जाती है ये किस प्रकार की होती है? पीओटी टाइप मैग्नेट विच हैज सेंट्रल पोल इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इज एज फेरल पोल विच हैज ए गुड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेट यूज़ की जाती है वो पोर्ट टाइप की परमानेंट मैग्नेट होती है, जिसका कि बहुत ही अच्छा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें सेंट्रल पोल साउथ पोल की तरह और जो पेरिफेरल पोल्स हैं वो नॉर्थ पोल की तरह होते हैं। और ये अब ये जो मैग्नेट है वो बहुत ही हाई ग्रेड के चुंबकीय पदार्थ के द्वारा बनी होती है। मीन्स हाई ग्रेड मैग्नेटिक मटेरियल की ये मैग्नेट बनी होती है, जैसे कि एल्निको, जिसमें कि किस किस का कंपोजिशन होता है एल्निको में। एल्यूमिनियम 10% होता है इसमें, निकल 18%, कोबाल्ट 12% और कॉपर 6% और आयरन 54%। तो इस प्रकार ये जो मैग्नेट है वो एल्निको जैसे मटेरियल की बनी होती है, जिसमें जिसका कि ये कंपोजिशन है। और इसकी जो चुंबकीयता या मैग्नेटिविटी हम कहें वो बहुत ही ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट मैग्नेट टाइप स्पीकर। चूंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज की जाती है, इसलिए इसे हम परमानेंट मैग्नेट टाइप स्पीकर भी कह सकते हैं। द कॉइल इज अटैच्ड टू अ कॉनिकल डायफ्राम मेड ऑफ पेपर, इट इज कॉल्ड पेपर कॉन। कॉइल इस प्रकार इस पेपर कोन और डायफ्राम से अटैच्ड होती है और इसमें डायफ्राम को सपोर्ट करने के लिए स्पाइडर स्प्रिंग्स को यूज़ किया जाता है। इस प्रकार ये जो स्प्रिंग डायफ्राम है ये स्प्रिंग से इस प्रकार कनेक्टेड होता है यहाँ पे, और ये पेपर कोन भी इस प्रकार यहाँ पे सस्पेंशन भी प्रोवाइड करती है स्प्रिंग इन्हें। तो इस प्रकार ये सपोर्ट के लिए होता है, जो कि डायफ्राम बहुत ही डेलिकेट होता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि द होल पेपर इज कोन टाइप लाउड स्पीकर एक्ट एज डायफ्राम एंड कॉजेज प्रेशर वेरिएशन डायरेक्ट इन द लिसनर एरिया एंड हैंस इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर। क्योंकि यहाँ पे जो डायफ्राम है इससे ये कोन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे। तो जो जो ये कोन जो है वो पेपर का बना होता है, इस पेपर कोन है तो ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जैसे ही डायफ्राम में वाइब्रेटरी मोशन होते हैं, इस पेपर कोन में भी वाइब्रेटरी मोशन होते हैं और उसके फलस्वरूप एयर में प्रेशर वेरिएशन होने की वजह से साउंड वेव्स मिलती हैं हमें। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमें डायरेक्टली जो है साउंड वेव्स जो हैं वो पेपर कोन में वाइब्रेशंस की वजह से मिल रही हैं। तो इस प्रकार इसे हम डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट है मूविंग कॉइल लाउडस्पीकर की वर्किंग के बारे में, किस प्रकार ये कार्य करता है। वैसे तो बेसिक प्रिंसिपल में हमें क्लियर हो चुका है, यहाँ पे थोड़े डिटेल में देखते हैं। व्हेन ऑडियो करंट फ्लो थ्रू द वॉइस कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स एफ इक्वल्स टू VIL एक्ट ऑन द कॉइल एंड मूव्स इट बैक एंड फ्रो। तो वॉइस कॉइल जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, उससे जैसे ही ऑडियो करंट को पास किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स एफ इक्वल्स टू VIL कॉइल पे कार्य करता है, जिसकी वजह से कॉइल में वाइब्रेटरी मोशन अकर होते हैं। और इन चूँकि कॉइल में वाइब्रेटरी मोशन अकर हो रहे हैं तो उसकी वजह से कॉइल से जो डायफ्राम और पेपर कोन अटैच्ड हैं उनमें भी वाइब्रेटरी मोशन अकर होते हैं, और जिससे कि एयर में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन साइकिल्स अकर होती हैं, जिससे ही साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इस प्रकार मूविंग कॉइल लाउडस्पीकर में ऑडियो करंट से ऑडियो करंट को साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस कंप्लीट प्रोसेस में दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और मैकेनो अकोस्टिकल। तो ये किस प्रकार होते हैं इन्हें यहाँ पे देखते हैं। तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि यहाँ पे TM से दिखाया गया है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल सेगमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा जो कि कोइल को दिया जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोइल में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इस प्रकार हैं जो कि सीरीज में है। तो इस कोइल से जैसे ही ऑडियो करंट को पास किया जाता है तो डायफ्राम में जो है वाइब्रेशन आकर होते हैं इसके फलस्वरूप। तो डायफ्राम में वाइब्रेशन की वजह से उसका कुछ डैम्पिंग कॉन्स्टेंट होगा, मास होगा और स्प्रिंग कॉम्प्लियंस होगा। तो मीन्स यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो जो कोयल में जो कोयल के थ्रू जो करंट पास हो रही थी उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, डायफ्राम में मैकेनिकल वाइब्रेशन अकर हुए। तो जो फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी से अगर हम देखें तो डायफ्राम का जो डैम्पिंग कॉन्स्टेंट है वो इक्विवेलेंट होता है रेजिस्टेंस के, मास जो है वो इक्विवेलेंट होता है इंडक्टेंस के, और जो स्प्रिंग कॉम्प्लियंस है वो इक्विवेलेंट होता है कैपेसिटेंस के। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें इन मैकेनिकल वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करना है साउंड वेव्स में। पहले जो कॉइल से करंट पास हो रही थी उससे मैकेनिकल वाइब्रेशंस अकर हुए, और मैकेनिकल वाइब्रेशंस को अब हमें कन्वर्ट करना है साउंड वेव्स में, मीन्स मैकेनो अकोस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे TA से दिखाया गया है। तो ये मैकेनिकल वाइब्रेशन साउंड वेव्स में तभी कन्वर्ट होंगे जब इन मैकेनिकल वाइब्रेशन से एयर की इम्पीडेंस प्रॉपर मैच हो पाएगी। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि मैकेनिकल वाइब्रेशन और एयर इम्पीडेंस में प्रॉपर मैचिंग हो। यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन को जैसे कि TA से दिखाया गया है, और जो मैकेनिकल सेगमेंट है उसका जो उसमें जो डायफ्राम का मास कॉम्प्लियंस डैम्पिंग कॉन्स्टेंट था वो अकोस्टिकल सेगमेंट में एक लोड की जैसे ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है मैकेनो अकोस्टिकल, और ये जो करंट से जो मैकेनिकल वाइब्रेशन जनरेट हो रहे थे वो ट्रांसफॉर्मेशन का था इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो इस प्रकार ये मूविंग कॉइल लाउडस्पीकर की वर्किंग के बारे में है। नेक्स्ट है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फर्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बहुत ही लो होती है, लगभग 5%। चूंकि ये डायरेक्ट रेडिएटेड टाइप के लाउड स्पीकर होते हैं इसलिए इनकी एफिशिएंसी लो होती है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो 30 dB होता है। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो वो केवल मिड फ्रिक्वेंसीज के लिए ही प्रतिबंधित होता है। लो और हाई ऑडियो फ्रिक्वेंसीज के लिए फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इस लाउड स्पीकर में कम होता है। वूफर के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स लगभग 40 Hz तक होता है, और ट्वीटर के लिए 10 kHz तक होता है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। और एक टिपिकल स्पीकर के लिए अगर हम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो वो 200 Hz टू 500 Hz तक की रेंज में फ्लैट रिस्पॉन्स देता है। डिस्टोर्शन जो है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में नॉन यूनिफॉर्मिटी होने की वजह से नॉन लीनियर डिस्टोर्शन इसमें अकर होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 10% के अराउंड। डायरेक्टिविटी जो है वो बेसिकली ओमनी डायरेक्शनल होती है। इम्पीडेंस जो है वो मैकेनिकल और अकोस्टिक लॉड्स के लिए 2 से 32 ohm तक होता है, और कॉमर्शियल स्पीकर्स में कॉमन इम्पीडेंस जो है वो 4, 8 और 16 ohm होते हैं।
पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर की बहुत ही लो होती है। पावर रेंज ऑफ स्पीकर्स लाइज बिटवीन ए फ्यू मिली वॉट्स फॉर 2 सेंटीमीटर स्पीकर्स एंड टू अबाउट 25 वॉट फॉर लार्ज साइज स्पीकर्स। मीन्स जो स्पीकर की पावर रेंज है वो कुछ मिली वॉट से 25 वॉट तक लाई करती है। तो ये जो कुछ मिली वॉट्स है वो 2 सेंटीमीटर तक के स्पीकर्स की पावर पावर होती है, और लार्ज साइज के स्पीकर्स होते हैं उनके लिए पावर होती है 25 वॉट। तो इस प्रकार ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है मूविंग कोइल लाउड स्पीकर के एप्लीकेशंस के बारे में, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स और ब्रॉडकास्ट स्टूडियोज़ में इनका यूज़ होता है। तो ये आज का लेक्चर था मूविंग कोइल लाउड स्पीकर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।